चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं और आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज से प्रसिद्ध लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचना बाल गोविंद भगत जो एक संस्मरण है उसे ले रहे हैं और इस के तहत हम सबसे पहले इस संस्मरण के सारांश को जानेंगे। लेकिन यहाँ पर हम आपको एक बात और बता देना चाहते हैं, वो ये कि हमने कक्षा 10वीं के व्याकरण से संबंधित भी बहुत से वीडियो बनाए हुए हैं। आप अगर चाहें तो उन्हें इसी चैनल पर खोज सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। बाल गोविंद भगत नाम का जो संस्मरण लिखा है रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने, उसका सारांश। संस्मरण कहते हैं जब हम अपनी स्मृति से, अपनी यादों से किसी घटना का, किसी व्यक्ति का, किसी के जीवन का बहुत ही आत्मिक और आत्मीय तरीके से वर्णन करते हैं तो वह संस्मरण विधा के अंतर्गत आता है। यहाँ पर रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने अपने गांव के एक बहुत ही साधारण व्यक्ति के बारे में हमें बताया है, क्योंकि वह व्यक्ति तो आर्थिक रूप से साधारण है, ग्रामीण है, अपढ़ है, अशिक्षित है, लेकिन उसका आचरण, उसका जीवन, उसके विचार अनोखे हैं। इसलिए वह लेखक का ध्यान खींचते हैं और लेखक ने इसीलिए उन पर यह संस्मरण लिखा है। तो होता क्या है कि जो बाल गोविंद भगत हैं वो बहुत ही निर्धन हैं, गरीब हैं, छोटा सा उनका परिवार है, वो हैं, उनका एक बेटा है और उस बेटे की पत्नी यानी उनकी पुत्रवधु है और वे खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो एक साधारण ग्रामीण व्यक्ति हैं, लेकिन उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं जो है वो असाधारण है। वह निर्धन है पर कम से कम में ही गुजारा कैसे कर लेना चाहिए और उसमें भी संतोष कैसे रखना चाहिए, इस मानसिकता से वे परिचालित हैं। उन्हें अपनी गरीबी से कोई शिकायत नहीं है, अन्यथा बहुत बार लोग निर्धनता के कारण बड़े परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं और एक ही रोना रोते रहते हैं कि साहब ये कमी है, वो कमी है, ये नहीं है, वो नहीं है। परंतु इसके बदले बाल गोविंद भगत खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं। वे कबीर के अनुयायी हैं, लगभग भक्त जैसे हैं और कबीर का जो विचारधारा है, कबीरदास जी की जो पद उनके हैं, जो हमने उनको पढ़ा है, हम सब उसके बारे में जानते हैं कि वो बड़े कठोर यथार्थवादी थे, जो संसार में वास्तविकता है उसके पक्षधर थे और इसलिए उन्होंने पाखंड का विरोध किया, उस पर आक्रमण किया और ऐसे लोगों की भर्त्सना की जो पाखंडी होते हैं, दिखावा करते हैं, जो वास्तविक जीवन नहीं जीते हैं। तो कबीर की इन बातों ने बाल गोविंद भगत को भी प्रभावित कर रखा है और इसलिए बाल गोविंद भगत कबीर के भक्त हैं। लोग उन्हें भगत कहने लगे हैं। क्यों कहने लगे? क्योंकि इसीलिए उन्होंने देखा कि एक आदमी कबीर के पदों से रात दिन अपना नाता जुड़े हुए है, उसे गाता है, खंजरी बजाता है, उसमें मस्त रहता है और अपना जीवन भी लगभग उसी तरह से जीता है। वे साधु नहीं थे लेकिन फकीरी जीवन जीते थे, कम से कम कपड़े पहनते थे, एक लंगोटी में ही उनका पूरा जीवन बीत गया और जब खेती बाड़ी का समय आता था, लोग धान के रोपे लगाने के लिए अपने खेतों में जाते थे तो खुद बाल गोविंद भी अपने खेत पर काम करते हुए भी और वे कबीर के पदों को इतने मधुर कंठ से गाने लगते थे कि खेती जैसे कठिन काम को करते हुए, गीले पानी में, बरसते पानी में, कीचड़ में रहते हुए भी लोग आनंद के साथ उनके हाथ पैर थिरकने लगते थे, स्त्रियों के होंठ फड़कने लगते थे और एक आत्मिक, आध्यात्मिक आनंद लोगों को उससे प्राप्त होता था और अपना जीवन वे इस तरह जीते थे।
जैसे ही कार्तिक का महीना आता था, कार्तिक का महीना मतलब वो अक्टूबर नवंबर का महीना, जब ठंड जो है थोड़ा शुरू होती है, बरसात खत्म होती है, तो उस समय जो बाल गोविंद है वो बड़े सुबह उठ करके, जबकि पूरी तरह से सवेरा भी नहीं होता, अंधेरा भी पूरा दूर नहीं हो पाता था, वे जाते थे और एक पोखरे पर स्नान करते थे और वहीं एक टीले पर बैठ करके अपनी खंजड़ी लेकर वहीं से उनके कबीर के पदों का गायन वो शुरू कर देते थे। तो ये उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। गर्मियों के दिनों में जब पूरा दिन भीषण धूप से लू से तपता था और शाम को उमस होती थी, तब भी वो अपनी खंजड़ी निकालकर शाम को कबीर के भजनों को इस तरह से गाते थे कि लगता था कि गर्मी को सोख लेने वाली शीतलता ही उनके इन भजनों से बरस रही है, निकल रही है। तो इस तरह बाल गोविंद जो है वो उनका ऐसा फक्कड़ जीवन था, औरों के लिए था, कबीर के अनुयायी के तौर पर था। उनका एक लौता बेटा जो था वो थोड़ा मंद बुद्धि भी था, सामान्य था, लेकिन उससे उनको कोई आपत्ति नहीं थी। जैसा भी है, बेटा है और उससे वो प्यार करते थे। उसकी पत्नी भी थी। एक दिन उस बेटे का उनके उस निधन हो गया। उन्होंने उसको आंगन में लिटा दिया, उसके ऊपर जो है कपड़ा से उसको ढांक दिया और उसके बाजू में बैठकर खंजरी बजाकर गाने लगे। लोग रो रहे थे, देख रहे थे और ये सोच रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं। लेकिन बाल गोविंद भगत को इस पर किसी तरह का कोई संकोच नहीं था। वे तो कबीर के पद अनुयायी थे ना। कबीर कहते हैं कि ये जो शरीर है ये एक मिट्टी का घड़ा है, इसके अंदर आत्मा कैद है। जिस दिन ये घड़ा फूट जाएगा, आत्मा इससे मुक्त हो जाएगी और परमात्मा से जाकर मिल जाएगी। तो मृत्यु आत्मा से परमात्मा का मिलन है, तो ये तो प्रसन्नता की बात है, खुशी की बात है, इसमें रोने का क्या है। इस कारण से वो खंजड़ी बजा रहे हैं और कबीर के उन निर्गुणी पदों को गा रहे हैं जिसमें आत्मा और परमात्मा के मिलन का विवरण है। पुत्र की मृत्यु के बाद उनकी पतोहू जो है वो कहती है कि मैं आपकी सेवा करूंगी, क्योंकि वो अपने ससुर से बहुत प्यार करती है और उन्होंने भी उसे बहुत प्रेम दिया है, लेकिन वे चाहते हैं कि वह अपने भाई के साथ अपने मायके चली जाए और उसके भाई से कहते हैं कि तुम इसका दूसरा विवाह कर दो ताकि इसका जीवन नष्ट ना हो। पतोहू जाना नहीं चाहती, वो बार बार कहती है कि आप बीमार पड़ जाएंगे तो आपको चुल्लू भर पानी कौन देगा, आपके बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा, इसलिए मुझे रहने दीजिए, मैं यही रहना चाहती हूँ, यही मेरा घर है। पर वो नहीं मानते और गुस्से से ये तक कह देते हैं कि तुम अगर नहीं जाओगी तो मैं ही ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। अब ये ऐसी कठोर बात वो कभी कह नहीं सकते, पर उन्होंने इसलिए कहा ताकि उनकी पुत्रवधू उनके मोह में पड़कर अपना जीवन नष्ट ना कर ले। और इसी तरह वो पतोहू अपने भाई के साथ चली जाती है। फिर उसका क्या हुआ ये लेखक को नहीं मालूम, क्योंकि वो किसी दूसरे गांव का मामला है। इस तरह का जीवन जीते हुए एक दिन बाल गोविंद भगत भी इस संसार से विदा ले लेते हैं। तो इस तरह लेखक ने इस संस्मरण में एक ऐसे अनोखे व्यक्ति के बारे में हमें परिचय दिया है, लिखा है कि संसार में सब लोग एक ही तरह के व्यक्ति नहीं होते कि उन्होंने धन कमाया, रुपया कमाया, खाना खाया, अच्छे कपड़े पहने और खांसते खांसते किसी खटिया पर लेटकर मर गए। उनके आने का भी संसार को पता नहीं चला, उनके जाने का भी पता नहीं चला, उनके जाने के बाद किसी ने उन्हें याद भी नहीं रखा। परंतु बाल गोविंद भगत जैसे लोगों को याद रहते हैं, स्मृति में रहते हैं और इसलिए राम वृक्ष बेनीपुरी जैसे बड़े लेखक ने उनके बारे में संस्मरण लिखा। हमें आशा है आपको हमारा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा। आपसे अनुरोध है कृपया इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और लाइक कीजिए। अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा हो तो उसे कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उसका उत्तर देंगे और ऐसा करते हुए हमें बहुत खुशी होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।